के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई अनंत चतुर्दशी, भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का किया गया पूजन अर्चन। काशी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में लड़ेगी चुनाव। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने मीडिया से वार्ता कर योगी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। और समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में आयोजित हुआ वाराणसी व्यापारी मंडलीय सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद काशी पहुंचे। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपना यूपी मिशन 2022 प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलाएगी। रविवार को वाराणसी आए कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह बात कही। हालांकि प्रियंका के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कहा कि यह आला कमान ही तय करेगा। सलमान खुर्शीद ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे से लेकर स्मृति ईरानी पर भी बात की, मगर पंडित कमलापति त्रिपाठी के पर पोते ललितेश पति त्रिपाठी के इस्तीफे पर बोलने से बचे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी हाई कमान ललितेश के संपर्क में है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी के लिए वाराणसी आए सलमान खुर्शीद ने प्रियंका गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। कहा कि वह कांग्रेस के मिशन यूपी के अगुवा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस यूपी विजन करेगी। चुनाव लड़ने का फैसला आला कमान का होगा। सपा या दूसरी पार्टियों से गठबंधन के कयासों को भी खुर्शीद ने खारिज कर दिया। कहा कि अगर गठबंधन की बात अंदर खाने में भी होती है तो घोषणा पत्र के लिए सभी जिले और इलाकों में वह यात्रा न कर रहे होते। पार्टी में अंदरूनी कलह के सवाल को सलमान खुर्शीद ने घर की बात कहकर टाल दी। सलमान खुर्शीद ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह के सवाल पर कहा कि पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी। खुर्शीद ने स्मृति ईरानी के अमेठी के विकास के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वह अब भी यह क्यों बताना चाह रही हैं कि उन्होंने चुनाव जीता है, अब वह क्षेत्र की नेता हैं और विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस छोड़कर छोड़े तो नहीं है, उन्होंने रेजिग्नेशन अपने पद से दिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया है। लेकिन मुझे यही बताया गया है कि हमारा नेतृत्व उनसे चर्चा में है, उनसे बातचीत करेगा। और ललितेश पर हम सबको बड़ा गर्व रहा है, उस परिवार पे बड़ा मेरा अपना विशेष संबंध रहा है। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि अगर जो भी कुंठा है वो दूर होगी और वो मजबूती के साथ कांग्रेस से जुड़े रहे। जो हाल यूपी में है और जो सामने दिख रहा है और जो लोगों पर गुजर रही है, उसको मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड में हर जगह शून्य भी लगाना बहुत कठिन होगा, हर जगह माइनस में जाना पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या कांग्रेस की जो तैयारियां चल रही हैं यूपी में वो बहुत सारे लेवल्स पे चल रही हैं। हम कांग्रेस का एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करने के यहाँ आए हैं। हम हर जगह जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग बड़ी यात्राओं करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े और कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हर स्तर पर काम चल रहा है और चलता रहेगा। हमको उजागर, बहुत जल्द हम उजागर करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ESIC हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8वीं विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांडेपुर ESIC हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर आशुतोष टंडन द्वारा किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में वाराणसी के 8वीं विधानसभा से उत्साहित कार्यकर्ता ने प्रतिभाग किया और बढ़ चढ़ कर हंसते हुए रक्तदान किया। आयोजित रक्तदान शिविर में खुद प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर भी रक्तदान किए तथा साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारियों ने भी रक्तदान किया। बातचीत के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने कहा कि वक्त आने पर मोदी जी के लिए भाजपा कार्यकर्ता कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। यह एक संदेश है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ काशी का नौजवान यहाँ रक्तदान शिविर में आया हुआ है।
और मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि देश का युवा, देश का नौजवान ये रक्तदान नहीं बल्कि दुनिया को बता रहा हो कि हम अपने प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज रक्तदान किया है, कभी जान भी देने की जरूरत होगी। हमारे जिला अध्यक्ष कह रहे थे कि पूज्य प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश का जवान जान तक हथेली पर लेकर उनके पीछे उनके अभियान को पूरा करने के लिए तैयार है। वहीं महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने भी इस पूरे कार्यक्रम की सराहना की तथा कहा कि आठों विधानसभा से 71 कार्यकर्ताओं को आना था, लेकिन युवाओं का जोश और सिलसिला ऐसा है कि हम निर्धारित संख्या से आगे जाकर रक्तदान कर रहे हैं। तो वहीं प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राहुल ने बताया कि अभी तक करीब 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और रक्तदान चल रहा है। संभावना है कि इसमें संख्या बढ़ सकती है। तो वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के प्रभारी भाजपा सुनील ओझा और वाराणसी जनपद के भाजपा पदाधिकारी सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे थे। वहीं बातचीत के दौरान प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि मैं एक स्वयं कार्यकर्ता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से लोगों की सहायता के लिए काम आएंगे। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में व्यापारी मंडल सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का रवैया व्यापारियों के प्रति संवेदनहीन है। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में प्रदेश व्यापी मंडलीय सम्मेलन के क्रम में वाराणसी व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आज रविवार को वाराणसी के सरोजा पैलेस में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सहारनपुर संजय गर्ग, उद्घाटनकर्ता व विशिष्ट अतिथि MLC आशुतोष सिन्हा एवं मुख्य वक्ता व समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी व मंडल पर्यवेक्षक प्रदीप जायसवाल ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनोचा व अजय सुत, प्रदेश सचिव हृदय गुप्ता, राकेश मुदनवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर जायसवाल के साथ वाराणसी मंडल प्रभारी जितेंद्र सेठ ने वाराणसी मंडल के समस्त जिलों के जिलावर, वाराणसी जिलाध्यक्ष चरणदास गुप्ता, वाराणसी महानगर अध्यक्ष राजेश केशी, जिलाध्यक्ष चंदौली अशोक गुप्ता, जिलाध्यक्ष गाजीपुर विशाल मदेशिया एवं जिलाध्यक्ष जौनपुर संजीव साहू से प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय गर्ग ने वाराणसी मंडल के समस्त जिले एवं विधानसभाओं की कार्यकारिणी एवं कमेटी की समीक्षा की। पूरा का पूरा व्यापारी समुदाय बहुत ही हताशा और निराशा की स्थिति में है। जब से केंद्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो नोटबंदी के बाद जो विसंगतिपूर्ण GST, जिसमें अभी भी तमाम विसंगतियाँ मौजूद हैं, और उसके बाद जो अनियंत्रित लॉकडाउन लगा है, इन तमाम तीनों चीज़ों से व्यापारी का जो व्यापार है वो घटा है, कारोबार घटा है और वो बहुत ही हताशा की स्थिति में है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो सरकारी उस पर महामारी की वजह से लाया गया, उसमें हमने भी विधानसभा में इस बात का सवाल उठाया कि जो 2 महीने लॉकडाउन पिछली बार रहा और 1 महीने इस बार रहा, उस लॉकडाउन पीरियड का जो बिजली के मीटर हैं, जिसमें किसी ने 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 150 किलोवाट अगर कनेक्शन ले रखा है, तो रनिंग यूनिट का आप चार्ज करें, पर जो मिनिमम चार्जेज हैं उन्हें आप माफ़ करने का कम से कम काम करें, परंतु उसे माफ़ करने से नकार दिया गया। इसी तरह से जो ऋण ले रखा है, वो ब्याज का मीटर बैंकों में चलता रहा और लगभग 1.5 करोड़ खाते इस समय NPA की स्थिति में है। हम लोगों की मांग थी कि 31 मार्च 2022 तक उसमें यथास्थिति रखी जाए और राहत। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिष्ठित उद्यमी एवं विजय कपूर एवं संचालन डॉक्टर भारत भूषण यादव, संचालक एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत विजेता के किया। मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार का व्यापारियों के प्रति रवैया बहुत ही संवेदनशील है। उनके सभी फैसले नोटबंदी, विसंगतिपूर्ण GST और कोरोना काल में अनियंत्रित लॉकडाउन के दौरान का बिजली के फिक्स चार्जेस एवं व्यापार में लिए गए ऋण के ब्याज माफ न करने के कारण व्यापारी बदहाली के कगार पर हैं। इंस्पेक्टर राज से उत्पीड़न बढ़ा है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, प्रशासन और माफिया के गठजोड़ से रंगदारी वसूली जा रही है, पूर्वांचल क्षेत्र में व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं जिनको की भाजपा सरकार ने नजरअंदाज किया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने योगी सरकार की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष गिनवाई।
उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने रविवार को सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि जिस समय हमारी सरकार बनी उस समय जर्जर अवस्था में सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन की सरकार ने इन 4.5 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 19 मार्च 2017 के पहले प्रदेश की व्यवस्थाएं पटरी हो चुकी थी, लेकिन कानून व्यवस्था समेत पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को भाजपा सरकार ने पटरी पर लाया है। हमारी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने क्या किया? रोजगार की मैं बात करूं तो 4.5 लाख लोगों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 4.5 वर्षों में सरकारी नौकरियां मिली है और उनको उनकी योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के। बहुत लचर हालत थी हमारी सरकार आने के पहले, आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, हमें इस बात का बहुत संतोष है। इसके साथ साथ प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसान कल्याण योजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 8 नए स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई गई, 51 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए गए, 26 पॉलिटेक्निक, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 78 ITI और 250 नए इंटर कॉलेज। भाजपा के दक्षिणी विधानसभा सम्मेलन में शामिल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अमेठी में 5 दशकों तक एक परिवार ने राज किया, फिर भी अमेठी का विकास नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में 5 दशकों तक एक परिवार ने राज किया, लेकिन वहां विकास नहीं हुआ। वहां मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर उक्त परिवार का गेस्ट हाउस बन गया, लेकिन अब पीएम मोदी के प्रयास से वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने ये बातें शनिवार को कबीरचौरा स्थित सरोजा पैलेस में भाजपा शहर दक्षिणी विस के प्रबुद्ध सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आज अस्वस्थ जनता की विकास यात्रा है। उन्होंने अमेठी के गांव में व्याप्त गरीबी का उल्लेख किया, कहा कि अमेठी मेरे मन को छूने वाली है। वहाँ के सांसद ने किसानों की जमीन हड़पी है, वहाँ CMO कार्यालय अब बना है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के काल में 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने तक हमारे PM ने मुफ्त राशन दिया। कोरोना की महामारी में यह आशंका थी कि 134 करोड़ के देश में लोगों को भरपेट भोजन व वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। PM ने यह कर दिखाया। एक एक वैक्सीन में एक एक का जीवन छिपा है। आज वैक्सीनेशन हमारा देश विश्व में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज वैक्सीनेशन के मामले में हमारा देश विश्व में रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 2014 में PM ने कहा था कि महिलाओं के लिए शौचालय बना दो, उन्होंने उसे गांव-गांव में पूरा किया। 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को शौचालय बनाकर दिया। महिलाएं चूल्हा फूंकती व सीने में धुआं भरती थीं। आज PM ने ऐसी गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन पहुँचाया। 8 करोड़ 12 लाख घरों में पानी का कनेक्शन पूरे देश में उपलब्ध कराया। कर्कश जैसे शब्द उनके पास हैं जिनके महल अब ढह रहे हैं। PM ने किसानों को बैंक के माध्यम से पैसा पहुंचाया। BBT के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए बचाया गया है, यह किसानों के खाते में गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए PM को जनता ने पूरा सहयोग दिया। इस सम्मेलन को सुनील ओझा ने भी संबोधित किया। आरंभ में प्रदेश प्रभारी व केंद्रीय मंत्री ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम चरण मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने दीप जलाया। प्रदेश के राज्य मंत्री क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अभ्यागतों का स्वागत किया। संचालन आलोक श्रीवास्तव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। जब कोरोना की महामारी ने हिंदुस्तान पर दस्तक दी थी तो विश्व भर ने एक ही चिंता व्यक्त की, संभव नहीं है 135 करोड़ के देश में सबका पेट भरा रहे। संभव नहीं है 135 करोड़ के देश में वैक्सीन बन जाए, दवा मिल जाए। उस असंभव को भी संभव कर दिखाया प्रधान सेवक ने आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में आयोजित 35वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव संपन्न हुआ। मानसरोवर घाट पर गंगा में कलश को विसर्जित किया गया।
मानस सरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में आयोजित 35वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव संपन्न हुआ। इस बार पूजा में मिट्टी की गणेश मूर्ति की जगह कुंभकोणम में निर्मित पंचधातु की मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल दक्षिण भारतीय पद्धति से प्रारंभ किया गया। गणेश जी का पूरा मंडल 111,000 रुद्राक्ष से सजाया गया। पूजा 9 दिन तक बड़े ही उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया गया। 9वें दिन शनिवार को प्रातः गणेश होम किया गया तथा 65 दंडी सन्यासियों को फल मिठाई दक्षिणा देकर सत्कार किया गया। इसी क्रम में आज 10वें दिन प्रातः गणेश जी की पूजा विधिवत संपन्न हुई। पूजा के पश्चात गणेश जी का कलश का उद्वासन करके कलश को भक्तों के द्वारा घंटा घड़ियाल बजाते हुए गंगा जी मानस सरोवर घाट पर विधिवत गंगा जी का पूजा करके कलश को गंगा में विसर्जित किया गया। इस कार्यक्रम को आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री एवं वीवी विश्वनाथ ने कलश को ले जाकर कार्यक्रम संपन्न कराया। काशी में पूरी श्रद्धा के साथ अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की गई। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी पर्व धर्म की नगरी काशी में पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की अनंत रूप की पूजा की गई। अनंत अर्थात जिसके ना आदि का पता है और ना ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री नारायण ही हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर एवं उनकी पूजा करके अनंत सूत्र बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद अक्षत दूर्वा शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत सूत्र को भगवान विष्णु को चढ़ाकर पूजा की जाती है। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाम, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविकम, मधुसूदन, वामन, केशव नारायण, दामोदर, गोविंद की पूजा होती है। रविवार को लक्ष्मी कुंड के पास महिलाएं इस पर्व के अवसर पर पूजन अर्चन करती दिखी। यह अनंत भगवान का पूजा है, साल भर बाद आता है, यही को हम करने आए और हम यहाँ महालक्ष्मी की पूजा भी 16 दिन करते हैं और सब हमारे माने प्रेमी वाले सब आते हैं, कथा सुनते हैं और अपना जो रहता है श्रद्धा से देते लेते। और यहाँ वक्त उछला है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी लाइफ सच के साथ, बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट, वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. Ganga ki leharon se galiyon ke chhor tak, Jamuna ke jor se bazaron ke shor tak, Circuit House aur Police Commissionerate tak, hum karenge sabki baat. देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर ग्वालदास साहू लेन वाराणसी में रविवार को अनंत चतुर्दशी पर 24वीं पूजन हुआ। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर ग्वालदास साहू लेन वाराणसी में रविवार को अनंत चतुर्दशी पर 24वीं पूजन हुआ तथा दुग्धाभिषेक कर जैन समाज के लोगों ने आरती कर 14 गांठ का धागा धारण किया। ज्ञात हो कि जैन धर्म के इस त्यौहार को पर्वों का राजा कहा जाता है। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह त्यौहार काफी महत्व रखता है। भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। दिगंबर जैन समाज के लोग पर्युषण पर्व को दशलक्षण पर्व से भी संबोधित करते हैं। इसमें 10 दिन का व्रत होता है। सभी अलग अलग दिनों में इंसान को अपने व्यवहार और कर्म को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। आइए जानते हैं इस पर्व के दौरान जैन धर्म के लोगों को अलग अलग दिन किस खास बातों का ध्यान रखना होता है। मंडवाड़ी पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा किया, जिसमें सर्राफा कारोबारी सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मंडवाड़ी पुलिस ने 3 चोरियों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों व 1 सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार किया। मंडवाड़ी थाने में ADCP वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह व ACP कैंट ने अभियुक्तों को चोरी के सामान सहित मीडिया के समक्ष पेश किया। ADCP वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि मड़वाड़ी क्षेत्र में हुई चोरियों के अनावरण हेतु थाना प्रभारी मड़वाड़ी परशुराम त्रिपाठी ने 3 टीमों का गठन किया था। रविवार की दोपहर 1:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक धरातलीय सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर महावीर दुबे 24 वर्षीय निवासी पड़ाव थाना मुगलसराय, जित्तू गौड़ उर्फ जितेंद्र 24 वर्षीय निवासी थाना भेलूपुर व इनसे चोरी के आभूषण खरीदने वाले स्वर्णकार वारिस सेठ उर्फ छोटू 37 वर्षीयों को पुलिस टीम ने BLW व पियरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के 1,10,000 रुपए नगद व 1 सोने की अंगूठी व 3 मोबाइल फोन सहित चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। ACP कैंट रत्नेश्वर सिंह, SHO मड़वाड़ी और यहाँ के सब इंस्पेक्टर्स की जो टीम है उनके द्वारा ये केस वर्कआउट किया गया है। इसमें दोनों बदमाशों के अलावा जो ज्वेलर, जो वारदात में ज्वेलरी निकाली गई थी, यहाँ से चोरी की गई थी, वो ज्वेलरी जो ज्वेलर खरीदता था वारिस सेठ, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियाँ हैं। बदमाशों के कब्जे से आला नकब, जिससे ये ताला तोड़ करके चोरी करते हैं, वही बरामद किया गया है। और जो वारदात में चोरी की गई ज्वेलरी बेचने के बाद जो पैसा मिला, उसमें से 1,10,000 रुपया विभिन्न वारदातों में बरामद किया। सिगरा पुलिस ने बीते 13 सितंबर को हुए चैन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया। सिगरा पुलिस ने बीते 13 सितंबर को एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण किया। वाराणसी के सिगरा पुलिस के अनुसार चैन स्नैचिंग करने वाले दोनों अभियुक्त शातिर अपराधी बताए जाते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लूटे हुए सोने की चैन एक सुनार के यहाँ बेचकर फरार हुए थे। लूटे हुए चैन को सुनार के यहाँ से बरामद होने के बाद सुनार को पूर्व में जेल भेजा जा चुका था, जिसके बाद अभियुक्तों की तलाशी में मुखबिर की सटीक सूचना पर आज सिगरा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटे हुए सोने की चैन के एवज में बरामद रुपए के 36,000 नगद सहित लूट में शामिल एक स्कूटी के साथ ही अभियुक्त समीर व सगीर को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ACP अनुज कुमार के सफल नेतृत्व में इस घटना का अनावरण हुआ। अभियुक्तों को वाराणसी के सिगरा पुलिस ने आज मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। एक सुनार की गिरफ्तारी की गई थी पहले, जिसने वो चेन खरीदी थी, उसे जेल भेजा गया है और चेन रिकवर कर ली गई है। उसके पश्चात में जो मुलजमान जिनके द्वारा ये चेन स्नैचिंग की गई थी, उनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों बदमाशों के पास से चेन बेचने के पैसे लगभग 36,000 रुपये बरामद हुए हैं और स्कूटी जिसके माध्यम से चेन लूटी गई थी वह बरामद हुई है। और दोनों के दोनों वेल ऑफ फैमिली से हैं, जिसमें जो मेन बदमाश है समीर, ये एक पार्लर चलाता है और उसका एक साथी साजेब है जिसने चेन स्नैचिंग करी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस वर्कआउट हुआ है। और जब महिलाओं के प्रति अपराध हैं, ये एक अपराध इस तरीके का है तो सोसाइटी में एक तरीके की असुरक्षा की भावना पैदा करता है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है।
सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, महंगाई के मुद्दे पर स्मृति ईरानी को सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना चाहिए। अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि आज से 7 साल पहले गैस सिलेंडर, प्याज और पेट्रोल का दाम चंद पैसे बढ़ता था तो स्मृति ईरानी धरने पर बैठ जाती थी। खुद प्याज की माला पहनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ी भेंट करती थी। अब तो पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लगायत सभी चीज़ों के दाम में आग लगी हुई है। अगर स्मृति ईरानी में हिम्मत है और ईमानदार हैं तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर चूड़ी भेंट करके दिखाएं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि यह सब दोहरी राजनीति करते हैं और सच का सामना करने से घबराते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए कि महंगाई के मुद्दे पर अब आपकी चूड़ी कहाँ गई। भाजपा को प्रबुद्ध लोगों की चिंता है, अबुद्ध लोगों की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। अबुद्ध लोगों में उत्तर प्रदेश की सभी जाति के वह लोग शामिल हैं जो गरीब हैं और साधन विहीन हैं। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो हश्र होगा, इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप देखते जाइए खेल। लखनऊ में हमने एक दृश्य देखा, विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठे, उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका थी। जब विधायक की बात मुख्यमंत्री न सुने, विधायक की बात दरोगा न सुने, विधायक की बात डीएम एसपी न सुने, तो फिर ऐसे पार्टी में रह करके विधायकी करने से क्या फ़ायदा है? जो समाज की समस्या को लेके जाए थाने पर, दरोगा पूछे कहाँ से आए हो, तो कह रहे अभी मैं विधायक हूँ, तो कहा इसका मतलब क्या है? ये दरोगा पूछ रहा है, अब कुर्सी पर बैठा है दरोगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति को विश्वकर्मा समाज ने ज्ञापन पत्र सौंपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद से ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्थानीय पराणकन स्मृति भवन के सभागार में आज घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम के दौरान मिला। प्रतिनिधिमंडल ने वंशानुगत व परंपरागत विश्वकर्मा शिल्पकार कारीगरों के रोजगार, अधिकार और आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न पक्षों से संबंधित 11 सूत्रीय मांग पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने हेतु प्रेषित किया। मांग पत्र में प्रमुख रूप से विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने, राष्ट्रीय दस्तकार शिल्पकार विकास निगम की स्थापना किए जाने तथा माटी कला बोर्ड की भांति उत्तर प्रदेश में शिल्प कला बोर्ड की स्थापना किए जाने सहित चुनावी घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन माननीय सलमान खुर्शीद साहब बनारस में उपस्थित हैं। आज घोषणा पत्र समिति जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके अंतर्गत सभी जाति वर्ग समूह के लोग अपनी अपनी समस्याओं से इस घोषणा पत्र समिति को अवगत करा रहे हैं। आज विश्वकर्मा समाज का भी प्रतिनिधि मंडल इनसे मिल करके शिल्पकार समाज की जो कारीगरों की आर्थिक और सामाजिक समस्या है, रोजगार अधिकार की समस्या का सवाल, आरक्षण में भेदभाव की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि लोहार जाति के लोग उत्तर प्रदेश में ओबीसी तथा पड़ोसी राज्य बिहार में अनुसूचित जाति में लोहारों को शामिल किया गया है, जो भेदभाव का द्योतक है। उन्होंने पूरे देश में विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के लिए एक समान 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इस दौरान माननीय सलमान खुर्शीद जी और रोहित दुबे को महासभा की ओर से पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जैसे बताया कि हम लोग विश्वकर्मा समाज के लेकर तमाम मुद्दों को सामने रखा है, उनको पत्र दिया है और सार्वजनिक रूप से, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, रामनगर के चेयरमैन हैं, जो जन समस्या आती है, जो आम पब्लिक की समस्या है, उसको हम रखे हैं कि राशन कार्ड की सुविधा मुहैया कराने के एजेंडा में जरूर शामिल करें, क्योंकि 35% लोगों का सिर्फ राशन कार्ड है। तमाम ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जिनको आज तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, उन समस्याओं से हम लोग लगातार जूझ रहे हैं। वो सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएगा और महिलाओं के लिए, हर जाति हर धर्म के लोगों को, महिलाओं के लिए।
प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से रामनगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा, भदोही जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा, वाराणसी नगर अध्यक्ष भैरव प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, अनामी विश्वकर्मा, कालिका विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, मास्टर कृष्ण मुरारी, अख्तर मिर्जा आदि लोग शामिल थे। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा बड़ा देव महादेव मंदिर में श्रमदान किया गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में बड़ा देव महादेव मंदिर में साफ सफाई, स्वच्छता कर बाबा का माल्यार्पण, जलाभिषेक करके माननीय मोदी जी के दीर्घायु शतायु होने की कामना करके जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनीष चौरसिया, मंगेश जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, सौ प्रकाश राय, कुंवर यादव जी, संकट मोचन मिश्र, सतीश वर्मा, सुभाष वर्मा, कन्हैया सेठ, धीरेन्द्र शर्मा, प्रदीप जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। हिंदी साहित्य दास कबीरा मंच के तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिंदी दिवस के उपलक्ष में हिंदी साहित्य दास कबीरा मंच के तत्वाधान में शनिवार को गुरुधाम स्थित कोचिंग सेंटर के प्रांगण में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नोएडा की राष्ट्रीय कवित्री अनिता सिंह, बनारस की राष्ट्रीय कवि व उपन्यासकार आर्यन उपाध्याय, जाने माने हास्य व्यंग के राष्ट्रीय कवि पवन बाकी बिहारी, बनारस व देश भर में एक अनोखी शख्सियत के मालिक बद्री विशाल, युवा कवि राज बनारसी, देश के जाने माने हास्य व्यंग कवि दिनेश गुक्कज ने शिरकत की तथा माँ हिंदी की प्रतिमा को माला पहनाकर तथा दीप प्रज्वलित कर माँ से प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर संस्था के डायरेक्टर प्रमोद जायसवाल ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विशेष संबोधन दिया। राष्ट्रीय कवित्री अनिता सिंह जी ने वीर रस से नारी सशक्तिकरण की बात की तो आर्यन उपाध्याय ने वृद्धाश्रम पर निशाना साधा। दिनेश गुक्कज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अंत में अपनी अवधि भाषा में सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। संचालन की भूमिका में बद्री विशाल ने अहम भूमिका निभाई। हास्य कवि पवन बाके बिहारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी जीवन को कविता के जरिए बच्चों के बीच रखा। जब तप से टिकी वसुंधरा ये नहीं रहेगी तो सृष्टि प्रकट जाएगी और कीजते वहार सब उथल पुथल होंगे। भाई की कलाई वाली डोर हट जाएगी तो करवा चौथ व्रत तब कौन रखेगा बताओ। पुरुषों की उम्र धीरे धीरे घट जाएगी और सीता के समान यदि नारी अपमान होगा एक बार फिर से जमीन फट जाएगी। महंगाई यदि यहाँ नित बढ़ती रही तो धोबी घाट जैसा मैं धुलाई बन जाऊंगा। महंगाई यदि यहाँ नित बढ़ती रही तो धोबी घाट जैसा मैं धुलाई बन जाऊंगा। और प्रेम सब झूठ होगा भारी यहाँ लूट होगी ऐसी प्रेमिका का रजाई बन जाऊंगा। महंगाई यदि यहाँ नित बढ़ती रही तो धोबी घाट जैसा मैं धुलाई बन जाऊंगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।